तो गाइज ये रहा मेरा ऑस्ट्रिया का भाई वाइट कार्ड, ठीक है ना। जिस वाइट कार्ड के लिए आप पूछ रहे थे ना, कमेंट कर रहे थे, ये वाइट कार्ड है भाई। और इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान है, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भाई ऑस्ट्रिया कैंप के बारे में। भाई ऑस्ट्रिया कैंप में अगर आप आते हो भाई, आपको ऑल सुविधा मिलती है भाई, ठीक है ना, खाने पीने से लेकर, ठीक है ना, सब कुछ मिलता है। बस एक जो आप रोटी बोलते हो ना इसको, तो वो रोटी नहीं मिलती, पर डबल रोटी जरूर मिलती है आपको, ठीक है ना। आप उसको अच्छे तरीके से, मतलब कि अपना ये है कि आप भूखे नहीं रहोगे वहां पर। और रही बात नॉन वेज की और वेज की, कुछ लोग मतलब नॉन वेज नहीं खाते, वो ओनली वेज खाते हैं, तो भाई वेज के लिए भी हर चीज वहां पर मिलती है, ठीक है आपको भाई। मतलब कि अगर नॉन वेज बन रही है ना, तो आपको वेज भी वहां पर मिलेगी, ठीक है ना। तो आप जो भी आपकी मर्जी होती है वो आप ले सकते हो, बट ये है कि आपको रोटी नहीं मिलती, डबल रोटी जरूर मिलती है। और देन भाई ये कार्ड आपको कितने टाइम में मिल जाता है, देखो भाई ये कार्ड वैसे तो कभी कभी किसी को 3 दिन में भी मिल जाता है, और किसी किसी को 4 दिन में, किसी किसी को 5 दिन में, और लगभग भाई ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं तो 10 दिन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे उससे पहले ही ये व्हाइट कार्ड आपको मिल जाता है वहां पर। और भाई ये कार्ड भी आपको ना लाइन में, मतलब जैसे हर चीज की, अगर आप खाना खाना चाहते हो तो वो भी आपको लाइन में लग के लेना है, ठीक है ना। तो हर चीज आपको वहां पर, मतलब रूल है वहां पर, अच्छे तरीके से आप रहना खा, मतलब घूम आप कहीं भी सकते हो। अगर आप कैंप में हो, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हो, तो वो भी आप घूम सकते हो भाई। उसमें ये नहीं कि भाई जैसे आप कैद हो तो एक तरीके से कैद हो, नहीं, आप बाहर घूम के आ सकते हो। रात के 10 बजे से पहले आपको एंट्री करनी होती है। आप मान लो सुबह निकल जाओ ऑस्ट्रेलिया कैंप से, और भाई तुम आ सकते हो रात के 10 बजे तक भाई, आराम से आ सकते हो घूम फिर के, ठीक है ना। और रही बात भाई वहाँ ट्रेन की जो भी है ना, वो आपको अपना खर्चा खुद करना होता है, वो कैंप नहीं देता आपको, ठीक है ना। और आप गुरुद्वारे पे जा सकते हो भाई, खाना पीना अगर आप खाना चाहते हो भाई, तो वहां से भी आप लंगर चख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप घूम सकते हो एक तरीके से, आपको पूरी आजादी होती है भाई। और 3 टाइम ही आपको खाना मिलता है, ठीक है ना, सुबह भी मिलता है, और दोपहर को आपको कम से कम 11:30 बजे मिल जाता है, और शाम को भी आपको मिलता है भाई, ठीक है ना, 5 बजे के करीब। तो ये रहा भाई, ठीक है, मेरा व्हाइट कार्ड आप देख लो। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई ये इंडिया बैठ के वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये मेरा कैंप का कार्ड है, और अभी फिलहाल मैं पुर्तगाल में हूँ, ठीक है। और भाई पुर्तगाल में व्लॉग भी लाऊंगा, ठीक है ना, आप जरूर देखना भाई और सपोर्ट करना। बाकी भाई इस कार्ड के क्या बेनिफिट है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई इस कार्ड का बेनिफिट है कि अगर आप ऑस्ट्रिया में रहना चाहते हो, तो भाई इस कार्ड के बेस पे यार रह सकते हो। अगर भाई भाई फिर भी आपको कोई, मतलब कि पकड़ देता है, पुलिस पकड़ देती है, तो आप इस कार्ड के जरिए, मतलब आपको वो कुछ नहीं बोलेगी, आप ये कार्ड दिखा सकते हो उनको, ठीक है ना। क्योंकि एक जो कैंप है ना, कैंप अपने कैंप में ये मिलता है, इसलिए मिलता है कि आप ऑस्ट्रिया में रह सकते हो। आप काम, ये नहीं मैं बोलूंगा कि आप इसके ऊपर पूरा काम कर सकते हो, हाँ इसके ऊपर आपको काम जरूर मिल सकता है ये दिखाने के बाद, ठीक है ना, अगर आपको काम कहीं मिल रहा है तो ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये रहा भाई इस व्हाइट कार्ड का ये बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कंट्री आउट करते हो, ठीक है ना, कंट्री आउट करते समय आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आप ये कार्ड भी वहां पर ही दिखा सकते हो। तो आपको वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि आपको, अगर आप मान लो ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन में आपको किसी ने पकड़ लिया पुलिस वाले ने, ठीक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यही करेगा कि आपका कार्ड देखेगा, कार्ड देखने के बाद या तो आपको जाने देगा, ठीक है ना, कंट्री आउट वो भी दे देगा, और अगर फिर भी वो रोक लेता है भाई, ठीक है ना। वैसे अभी तक ऐसे हुआ नहीं कि कोई भी भाई, मतलब वापिस मोड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्ड देखने के बाद वो भी बोलते हैं कि भाई जाओ तुम, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है भाई जनता आ रही है पूरी, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस कार्ड को देखने के बाद वो क्या बोलते हैं, या तो रोक लेते हैं, रोकने के बाद आपको 2 से 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा बिठाते हैं वो, और बिठाने के बाद छोड़ देते हैं भाई, ठीक है ना। बाकी इसका यही बेनिफिट है, ठीक है ना, कंट्री आउट का। और अब मैं आ चुका हूँ भाई पुर्तगाल, ठीक है ना, मुझे पुर्तगाल में इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई मुझे ये है कि मैं इस कार्ड के ऊपर पैसे मंगवा सकता हूँ, वो निकलवा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये कार्ड वैसे बोलते हैं जब आप कैंप में होते हो कि भाई इसको यहाँ से निकलने के बाद तोड़ देना, ये इसको तोड़ना मत, कोई वो बात नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी तो ये कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, ये तो आपके बहम है, ठीक है ना, जो आपको बोलते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपका दिल करेगा वैसे कर लेना। बट मैंने नहीं, मैंने अपने पास रखा है ये, और मेरे पास अब भी है, और इसका मैं यूज भी करूंगा, ठीक है ना। और रही बात भाई, अगर आप कार्ड नहीं लेते हो, अगर आप कैंप से कार्ड नहीं लेते हो, और या आप कैंप में ही नहीं आते, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। देखो भाई आपको प्रॉब्लम की बात करूं तो मैं
अगर आप बिना कार्ड से जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आप पकड़े जाते हो जब भी आपको 2 से 3 घंटे बिठा के रखते हैं उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ना कोई डरने वाली बात है, ठीक है ना। आप सीधे भी जा सकते हो भाई, ठीक है ना। अगर वो आपको ट्रेन में चढ़ने से पहले पकड़ लेते हैं तो फिर भी वो आपको कैंप में ही ले जाएंगे, ठीक है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है भाई, इसका कोई ज्यादा बेनिफिट भी नहीं है और बेनिफिट भी है, बस ये लगा लो आप। इसके ऊपर आप पेमेंट मंगा सकते हो और कहीं अगर ऐसी बात हो जाती है तो आप इस कार्ड को दिखा भी सकते हो, ठीक है ना, कि भाई मैं यहाँ से हूँ। मैं उनको ये कार्ड देखने के बाद पता चल जाता है कि भाई ये कैंप से आया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके बेनिफिट हैं। और भाई जो भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो प्लीज, ठीक है ना। मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दे रहा हूँ और इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपको पता ही है सभी को, ठीक है ना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी है अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो वहां से आप जाने के बाद देख सकते हो, ठीक है ना। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है भाई, रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट के बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे थे भाई, आपकी पेमेंट कितनी लगी भाई, सभी की पेमेंट यही लग रही है 14 या 15, ठीक है ना। तो इतनी लग रही है 14-15 लाख रुपए, तो आप देख सकते हो हर कोई आ रहा है तो इतनी लग रही है भाई, ठीक है ना। मेरी भी 14 लगी थी और मैं आपको बता ही देता हूँ। और रही बात भाई उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, कमेंट नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना। और भाई आप मुझे ये जरूर बताना कि भाई मैं किस टॉपिक पर वीडियो डालूं, ठीक है ना, जिससे आपको सोल्यूशन मिले। देखो भाई अगर आपके को जो डाउट है वो सारे खत्म हो चुके हैं तो भाई मैं पूर्तकाल में व्लॉग वीडियो डालूंगा। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना कि आप चाहते हो मैं व्लॉग वीडियो डालूं, दिखाऊं आपको पूर्तकाल, पेपर मेरे कितने में बने, वो सारी वीडियो डालूं या नहीं डालूं, तो जरूर बताना मुझे आप। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।